हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ हम घर में कैसे अनियन हेयर ऑयल बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, मैंने पिंक कलर के छोटे छोटे साइज के अनियंस लिए हैं। आपको व्हाइट अनियंस अवॉइड करने हैं, आपको पिंक अनियंस लेने हैं। सेकेंड जो इन्ग्रीडियंट है वो है करी लीव्स, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ कटोरी फ्रेश करी लीव्स लिया है। अगर आप चाहो तो आप ड्राई करी लीव्स भी ले सकते हो। एंड द थर्ड इंग्रीडियंट इज पैराशूट कोकोनट ऑयल। दिस इज 100% प्योर कोकोनट ऑयल। मैंने मेरे पास है 500 ml का ये बॉटल, जैसे आप देख सकते हो। तो ये इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के मदद से मैं आज अनियन हेयर ऑयल बनाने वाली हूँ आप सबके लिए। तो पहले मैंने अनियंस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, जैसे आप देख सकते हो। अनियंस को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। उसके बाद मैंने गैस ऑन करके एक मोटा कढ़ाई में, आपका जो कढ़ाई है वो मोटा होना चाहिए, पतला नहीं, मोटे कढ़ाई में आपको तेल को पहले डालना है। मैं पूरा 500 ml तेल ही इसमें डाल रही हूँ। मैंने फोर्थ इंग्रेडिएंट भी यूज़ किया है, जो मैंने पहले दिखाना भूल गई। दिस इज़ द कैस्टर ऑयल। तो मैंने 500 ml कोकोनट ऑयल में 100 ml करीब करीब कैस्टर ऑयल मिलाया है। कैस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने दोनों तेल को एक साथ डाल के मिक्स करने हैं आपको। आफ्टर मिक्सिंग द टू ऑयल, आपको 5 मिनट में एकदम लो टू मीडियम, लाइक लो टू मीडियम फ्लेम में आपको 5 मिनट तक तेल को हीट करना है, तेल को वार्म अप करना है। आपको एकदम तेल को गर्म नहीं करना है ताकि प्याज फ्राई ना हो जाए। जस्ट गर्म तेल में आपको सारा प्याज जो है उसको डालना है। ध्यान रखिएगा प्याज फ्राई ना हो जाए, आपको सिर्फ एसेंस निकालने हैं प्याज के। तो आफ्टर काइंड ऑफ 2-3 मिनट तक आपको प्याज को ऐसे ही तेल में चलाना है, आपको चलाते जाना है ताकि कुछ जल ना जाए। उसके बाद आपको डालने हैं करी लीव्स। करी लीव्स हमको पहले नहीं डालने हैं, क्योंकि पहले डालेंगे तो वो जल सकते हैं। तो पहले प्याज डालना है, 2-3 मिनट बाद आपको करी लीव्स डालना है, और फिर उसको मिक्स कर दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए स्पून से। आपको कंटिन्यूसली चलाना है इस मिक्सचर को। यहाँ पे मैंने डाला है, जैसे आपने देखा, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल। उसके बाद तेल जब 3 से 4 मिनट या 5 मिनट बाद गर्म हो गया, उसके बाद मैंने डाला है प्याज। उसके बाद आपको डालना है करी लीव्स। करी लीव्स में है बीटा कैरोटीन एंड प्रोटीन्स, जो कि बहुत ही अच्छा है टू रिड्यूस हेयर लॉस, और आपको आपके बालों को बढ़ने में भी बहुत मदद करता है करी लीव्स। करी लीव्स में अमाइनो एसिड्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो बालों के हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है, डैंड्रफ रिड्यूस करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को रोकता है। इसमें विटामिन बी है, जो कि हेयर कलर को रिस्टोर करता है, नरिशमेंट देता है। करी लीव्स के बहुत सारे बेनिफिट्स है। और अनियन भी बहुत अच्छा है। अनियन में बहुत सारे सल्फर होते हैं, जो विच मिनिमाइजेस द ब्रेकेज ऑफ हेयर एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द थिनिंग ऑफ योर हेयर। तो 5 से 7 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम में आपको ऑयल को हीट करना है। आप देख सकते हो कितना झाग आ रहा है। आपको कंटिन्यूसली चलाते जाना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो तेल जल जाएगा। आपको कंटिन्यूअसली इसको चलाते जाना है। फिर अनियन में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कि हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है। इसमें बहुत सल्फर है, जैसे मैंने बताया, जो मिनिमाइजेस एंड ब्रेकेज मिनिमाइजेस द ब्रेकेज ऑफ योर हेयर एंड ऑल्सो मिनिमाइजेस थिनिंग ऑफ योर हेयर। सल्फर बहुत एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। देन अनियन प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द हेयर फॉलिकल एंड रिस्टोर्स द न्यूट्रिएंट्स टू द स्कैल्प। अनियंस हैव एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एंड हेंस दे प्रिवेंट द इन्फेक्शंस। स्कैल्प स्कैल्प इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है, और फिर हेयर लॉस को भी प्रिवेंट करता है। सल्फर में है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हेयर को ग्रे होने में प्रिवेंट करता है। अगर आप इसको रेगुलरली यूज करोगे, इस ऑयल को अगर आप रेगुलर यूज करोगे, तो आपके बालों में परमानेंट सी शाइन आ जाएगी, डैंड्रफ नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, हेयर ग्रोथ होगा। तो ये बहुत अच्छा ऑयल है। तो मैंने इस तेल को एकदम लो फ्लेम में, आप देख सकते हो कितना झाग है, एकदम लो फ्लेम में मैंने इसको हीट किया। उसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया, इतना झाग आ रहा है। गैस को बंद करने के बाद मैंने 3 से 4 घंटा इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। जैसे आप देख सकते हो गैस बंद है। तो 3 से 4 घंटे के बाद
आपको इसको यूज करना है। तो अभी भी तेल बहुत गर्म है, मैंने तुरंत ही इसका जो लिड है मैंने उसको उठाया था एंड मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। एंड आफ्टर 3 to 4 आवर्स आपको इसको स्ट्रेन करना है स्ट्रेनर के मदद से। आफ्टर 3 to 4 आवर्स सब झाग सब चला गया है, एकदम क्लियर ऑयल बन गया है, ऑयल का कलर भी चेंज हो गया है, लाइट ग्रीन कलर हो गया है। तो मैंने एक स्ट्रेनर के मदद से पूरे ऑयल को मैं स्ट्रेन कर रही हूँ, जैसे आप देख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ स्पून। ये मेरा राइस कुकर का एक बहुत बड़ा चम्मच है, तो मैं इसी के मदद से मैं पूरा जो तेल है, जैसे देख सकते हो कलर भी चेंज हो गया तेल का, इट बिकेम लाइट ग्रीन इन कलर। तो मैंने एक कटोरी में तेल निकाल लिया है और फिर एक बॉटल में मैंने स्टोर कर लिया है, ग्लास बॉटल में आपको स्टोर करना है। और यू हैव टू मेक श्योर कि अंदर ग्लास बॉटल में कोई पानी ना हो, इसके लिए तेल खराब हो सकता है। सो आई होप इस वीडियो, तो आपको इसको ग्लास कंटेनर में स्टोर करना है और आप इसको 2 से 3 महीने तक यूज कर सकते हो और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये आपके बालों को ग्रो करेगा, हेयर ग्रोथ में मदद करेगा, हेयर ग्रेइंग प्रिवेंट करेगा, गंजेपन की शिकायत आपके दूर करेगा। और ये बहुत ही अच्छा एक ऑयल है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।